वो तो अब सब ही पता हो, गद्दारी मैं करूंगा उनके साथ जी जी, या वे मेरे साथ कर रहे हैं। शेरनी यू सेल तेरी गैली जाओ शमशान में। बाहर को हमने खड्डों को देखो, पूरा घर को अगर अंदर कतई खत्म। जी वृंदावन होटल में हमने 83 रोटियां खाई, तो सच में वो 40-40 रोटियां हमने खाई। मैं चाहूंगा शेर शेर पी तो बात होगी, शेरनी आजकल नहीं दिख रही वीडियो में यार भाई, वहां कुछ भी ना तो भैया बुरा दिल टूट गया यार भाई मेरी गल, दो बेर धोखा हो गया चीज को। सुबह उठते के साथ ही और रात तक शेर भाई क्या करते पूरे दिन? तो शेर भाई और जादू भाई ने बोला कि शेर को हमने डायलॉग बोलना सिखाया है, और शेर ने क्या किया हमारे रंजीत के मारे 8,000-9,000 हमारे फॉलोअर कम करवाए मेरे। भैया मैं कुछ भी ना जानता हूँ, ये सब झूठ है, तुम उन्हें जानते ना, वो शराब पी के रोज को ड्रामा इनको यही है। शेर भाई को पढ़ने का मौका मिलता तो शेर भाई का क्या सपना था कि वो क्या बनना था? शेर भाई की बिग बॉस में एक दिन सिस्टम हैंग करना भाई। आपको ये पूरा इंटरव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेर। नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब, इंडिया न्यूज़ न्यूज़ एक्स देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ अंकित चंदेल। और आज हमारे साथ जो शख्स हैं उनके बारे में बताने से पहले यही कहूँगा कि किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उसे मिलाने में लग जाती है। और ऐसा ही फेमस होने का सपना, लोगों के घर घर जाने तक का सपना एक इंसान ने देखा, एक शख्स ने देखा जिनका नाम था शेर पार बेलागी। और इनका आज मौका मिला हमें इंटरव्यू लेने का, हमारे साथ मौजूद हैं और जितने भी सोशल मीडिया पे लोग हैं इन्हें फॉलो करते हैं, और आज हमारे साथ शेर भाई बैठे। शेर भाई बहुत बहुत सबसे पहले तो स्वागत है आपका। और एक बार शेर बिल्कुल, तो शेर तो जो इनका अंदाज है ये दिल से है, ये कोई वैसे नहीं कि हमने इनको बोला बोलने के लिए, दिल से बोल देते हैं जो है। तो शेर भाई सबसे पहले तो इंडिया न्यूज़ में बहुत बहुत आपका स्वागत। धन्यवाद भैया। सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपका गाना जो आया शेर वो बहुत ट्रेंड कर रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है, लाखों में उसके व्यूज आ रहे हैं। सबसे पहला सवाल, एक गरीब घर का लड़का जिसने बचपन में बहुत सारी कठिनाइयां देखी, छोटी उम्र में माँ बाप गुजर गए, कभी सोचा था इतना लोगों का प्यार मिलेगा? और अब जो प्यार मिल रहा है कैसा लगता है? अकेले बैठ के कभी जब नींद नहीं आती होगी सोचता तो होगा शेर की क्या हो रहा है मेरे साथ? हाँ भैया, यह बहुत बड़ी बात है। बता देखो जी, सोच भी नहीं ऐसी, सपने में बिना ये चीज़ का कभी सपने में बिना सोची ऐसे होगी जी? इतने बड़े बड़े आदमी टीवी पे भी आएंगे, फोन में भी भागे डोलेंगे। तो भैया तुम्हारी लोग सब भाई ने चाह रहे कि छत्तीस बरादरी की सपोर्ट है आज, मैं तुम्हारा भाई यहाँ बैठो आज इस देसी उसमें सौदा में देसी सवाल बना रहा हुआ था मैं सभी। आजकल देसी बालक ही हर जगह राज कर रहे हैं। शेर भाई सबसे एक अलग सवाल जी भैया, एक तो आपका पहले तो गाना आया, गाने की एक लाइन सबसे पहले तो आप बोल दो कि शेर तेरे साथ गेली जाएगा शमशान में, एक बार वो डायलॉग बोल दो। शेरनी यू शेर तेरी गेली जाएगा शमशान में। क्या बात है शेर, क्या बात है, क्या बात। मतलब आपने कहा था जो शेर शब्द है जी, ये आपको ताकत का काम करता है, ताकत देता है, बूस्टर डोज है। तो पहली वायरल वीडियो आपकी सबसे पहले कौन सी हुई थी, एक बार ये बताइए आप दर्शकों को। अच्छा बताता हूँ जी, मेरा भाई है पिंटू बैरागी जिसका नाम है चीता, अब मेरा नाम है शेरपाल बैरागी। बिल्कुल। तो हम एक दिन अपनी छत पर बैठे ऊपर तो कुछ खा पी रहे, तो भैया बज गए, भाई ने चीता ने अपनी वीडियो बनाई, पिंटू नाम वो कर लो, मेरा नाम जो चीता, मेरे भाई शेर है, हमारा कोई कुछ ना कर पावे, ऐसा कह के वो वीडियो वायरल होगी जी। तो उसके बाद फिर वीडियो बनाना चालू कर दी, वायरल होगी वीडियो बना रही। फिर एक आपकी वीडियो को वायरल हुई जो वृंदावन होटल में आपने 83 रोटियां खाई, तो सच में वो 40-40 रोटियां आपने खाई? रोटी 83 खाई। तो जब वो सब आपको देखने तो आगे होंगे कि भाई ये क्या, कौन आ गया आज होटल में? होटल वाले ही देख रहे हैं। भाई खाते रहिए प्लेट दाल की आती रही, भैया पहले कह दी रोटी ना टूट जा, भैया भूखे भूख लग रही 24 घंटा कुछ भी ना खाए। बिल्कुल खाते रहे, वैसे भी 10-15 रोटी तो हमको झिके झिकाई भी आम है एक। बिल्कुल झिके झिकाई खा जाए 10-20। तो बिल किसने दिया? बिल दियो भाई ने। अच्छा, जो हम जिसके साथ गए ना। अच्छा अच्छा, किसी काम से गए हम, जैसे आप ले जा लोगों कहीं काम से, तो बिल तो उन्होंने नहीं करो। अच्छा अच्छा, ये है। कितना बिल आया होगा भैया? इतना। अच्छा, इतना नहीं ध्यान। अगला सवाल आपसे, थोड़ा सा आपके पुराने दिनों की बात करते हैं, 16-17 साल से जब आपने काम करना शुरू किया तो माँ बाप जो थे आपके जल्दी गुजर गए, जल्दी। फिर आपने बताया कि आपके पिताजी थोड़े ज्यादा पीने के आदी हो गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने घर के बर्तन बासन सब बेच दिए, तो एक बार वो थोड़ा सा बताएं आप। ऐसे हुई भैया, हमारे जो पापा जो सही खा कमा करे, पहले जब हमारी मम्मी की शादी हुई तो बाद में किसी को नाम लेना ठीक ना, कुछ भाई ने घर के नहीं धोखो कर दिया पापा के साथ, उसकी टेंशन पर पापा ने शराब चालू कर दी पीनी जी। लास्ट में यू हुआ, जब बुग्गी भुग्गी जो भी काम करे करे सब बेच बाच के शराब पी लगे सबकी, घर को जो सब मट्टी मेल होगी, और घर पहले जो ऐसे ये सबके मिट्टी के मट्टी कच्चे, के कच्चे, कच्चे
तो भाई हम छोटे छोटे, तो बाद में क्या हुआ, बारिश जब शराब पीने लगे ज़्यादा, बासन टंडीरे सब बेच दिए, एक दिन अब बारिश आई बहुत तकड़ी। बारिश आने पे हमारा जो घर हो वो वहाँ में गिर गो, मतलब पानी भर गो भीतर, कोई ऐसा होता है जैसे जब पानी ज़्यादा भर जाने की जगह तो उस सुरंग नीचे को बैठ जाती है, बैठ जाता जी। तो भाई हम तो बाल बाल ही बचे उसमें, पूरी दीवार की दीवार उसी में गपत होगी। तो भाई उसमें से फिर रात को भागे बाहर को, इतने जैसे कि पानी इतना इतना घर में भर जा, तो नाली जैसे घर के सारे कर जाते, पानी हमारे घर में को आगो सब। तो भाई इतने हम भागे बाहर को, हमने खड्डों को देखो पूरा घर को अगर अंदर कतई खत्म, कुछ भी नहीं देखो भाई साहब, घर ऐसे खत्म हो गए मेट, कतई कुछ भी नहीं, धरती में कहा कुछ भी ना। तो भाई इतना नीचे अंदर खुल गो। फिर उसके बाद भाई उसके बाद फिर हमने ईंट चुगी गेंगे सो मट्टी लाला का सिर पे हमारी मम्मी ने, हमने कहा हमारी मम्मी ने करो जो भी करो, फिर मट्टी लगा लगा के फिर का घर बनायो जी। तो ये कष्ट देखे भाई, फिर पापा ख़त्म हो गए, शराब ज़्यादा पी गए, फिर मम्मी बीमार होगी, फिर वे ख़त्म होगी, फिर हमने स्कूल स्कूल जाकर सरकारी स्कूल पढ़े करे, पाँचवीं तक पढ़े भैया, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी बिल्कुल, क्योंकि पैसे नहीं थे, पैसे भी नहीं, नखून जो इतने बड़े बड़े हो जा करे, कोई काटने वाले माँ माँ इतने थोड़ी भैया, पहले का पढ़े लिखे थोड़ी है, हम भी नहीं है, मम्मी अभी ऐसी ही, नखून बट जा करे, कोई नहावा करो भी ना हो, दुनिया भर को तो हाथन पर भी फट जा करे हाथ भी, जब कोई नहावा भी ना, साबन पावन कुछ भी ना। तो मतलब बड़े कष्ट से गुजरा आपका बच्चा। तो भाई कष्ट ज्यादा दे दे। आपने बताया कि आप पढ़ाई नहीं कर पाए क्योंकि आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी, कोई कहने वालों ही ना, तो स्कूल चलो जब भी अगर कितने बढ़िया बालक हो, अगर उनसे तुम ना कहो स्कूल चलो जाना, गुरु कोई चाहिए तो कोई, हमारे माँ बाप ही सूदे, उन्होंने कभी भी नहीं ना कहे तुम स्कूल चले जाओ, जो पड़ोसी ने कह दी कहीं ने कह दिले भैया जा स्कूल से भेज दें ना, तो भेज दिया हमारी मम्मी ने। तो शेर भाई मैं ये पूछना चाहूँगा, अगर शेर वैसे तो आप नहीं पढ़ पाए किसी कारण, अब आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, बहुत अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं भैया, लड़का मेरा जो पढ़ रहा हो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, और आप बताए कि पहले नंबर पर भी आ रहा है। हाँ भैया मेरे लड़का बहुत तगड़ी पढ़ाई में, बिल्कुल हाँ जी बहुत तगड़ी पढ़ाई कर रहा, शेर का ही तो लड़का है फिर जी, धन्यवाद। यही तो भगवान की, कुछ भगवान को ज्ञान दिया उसमें देखो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर शेर भाई को पढ़ने का मौका मिलता जी, तो शेर भाई का क्या सपना था कि वो क्या बनना चाहते, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके अंदर बिजनेसमैन छुपा हुआ है, पहले आपने साइकिल के पंचर की दुकान लगाई बोरी बोरी, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं इसको आजकल, तो फिर आपने वो काम नहीं चला, फिर आपने सब्जी की दुकान लगा ली, फिर आपने बुग्गी चला ली, तो ये आपके अंदर कहीं ना कहीं बिजनेसमैन छुपा है। हाँ तो देखो बिजनेस तो करते ही रह करो मैं, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ जिस कमाई हो उस काम करते रह करो, पर ये जिस काम भी करो उसमें धोखा जरूर हो। अब वीडियो बना रहा हूँ यहाँ भी धोखा ही होगा। अब इस पे भी मैं आना चाहूंगा, अभी हमें पता चला कि आपका जो मेन 70-80 हज़ार वाला जो आईडी थी वो बंद हो गया, तो वो 71 हज़ार पे आईडी हुई है भैया मेरी, सोमवार वाले दिन 70 हज़ार पे अनूप भाई के वहाँ केक काटो जी, और वहाँ भैया काट कर गाड़ी में आई, बाकी है इतने रास्ता में बीच में पता लगी 10 किलोमीटर चले वहाँ से, तो मैंने चेक करे 71 हज़ार फॉलोवर्स जी। और भाई मैं कह लूँगा एक लड़का कह लूँगा भाई मैं आई डी देख रहा हूँ तेरी आई ना रिया, मैंने अपने फ़ोन में देखी, मैं क्यों अपने फ़ोन में स्विच ऑफ करके धर दूँ, वीडियो डाली स्विच ऑफ करके जेब में धर दियो, फिर मैंने खुद खोलो यार भाई वहाँ तो कुछ भी ना, तो भैया बुरा उस दिल टूट गया यार भाई मेरी, गल दो बेर धोखा हो गया चीज़ को, पहले आई डी बनाई वो खराब होगी, फिर एक बेर यूट्यूब की बनाई, एक रात में 1500 सब्सक्राइब हो गए उसमें, वो भी ख़त्म, फिर मैंने यूट्यूब बंद ही कर दिया, मैंने कि यूट्यूब जिंदगी में बना लो ना, जब अगर बनाऊंगा तो तकड़ी सपोर्ट से बनाऊंगा, नहीं यूट्यूब नहीं बनेगा बिल्कुल। तो अभी उसका काम चल रहा है वापस आने का, आईडी आईडी चल भी ना आ गया। अच्छा ना आ गया कर लियो उसमें सब बड़े बड़े आदमी ने, क्योंकि मेरी जान पहचान बड़े बड़े आदमी से ज़्यादा, जैसे कि थारो भाई जोगिंदर है, एम डी भाई है, एल वी से सबसे बात है, बट सबसे क्योंकि मैं नाम भी ना बता सकता हूँ ना, मेरे फ़ोन में सब है, सबसे बात है मतलब रिप्लाई किसी पे करता हूँ, मेरे सब बेचारे भाई सब बड़ी भाई सपोर्ट, तो बड़ी सपोर्ट सब बात सपोर्ट करें। तो अभी आपने एक नई आईडी भी बनाई है उस पर भी अच्छा सपोर्ट आपको, हाँ उस पर भी अच्छी सपोर्ट है, कल बनाइए उस पर आईडी बता दो आप भाई। मैंने जो आईडी बनाई है भाई शेरपाल बैरागी 1 2 3 4 के नाम से, अब कहे शेरपाल, पहले शेर बैरागी के नाम से, अब शेरपाल बैरागी जो मेरा पर्सनल नाम है, शेरपाल बैरागी जी 1 2 3 4। तो भाई मेरी आईडी पहली दो बार पहले भी मेरे साथ धोखा हो चुका हो, क्योंकि मैं पढ़ो लिखो तो हूँ ना भाई, का ही फोन दे दूँ ले भैया वीडियो बना दे, कोई एक मिनट में कुछ भी कर ले, काम ऊपर वाला देख रहा है शेर भाई जो, तो सब भगवान के ऊपर छोड़ दें भैया, जिंदगी में ये काम आप सुना है तो झिको पड़ो इन काम ने कर करके, पर जो सबसे ज्यादा तो दिल टूटो ना जिंदगी में वो भाई सोमवार वाले दिन टूटो मेरा। नहीं नहीं शेर भाई ऊपर वाले को हम सब पे भरोसा है, क्योंकि भाई कोई आदमी एकदम ऊपर जाकर एकदम भी चिट हो जाता है ऊपर से, मतलब समझो ऊपर से गिर को नीचे, भाई मैं तो एकदम देखते ही अपनी
उसे सिस्टम है, जब भाई पढ़े लिखे ने बताया भाई खत्म हो कहते हो तेरी भाई मुझे चार दिन से भाई नींद ना आज रात दिन मतलब पेट में कुछ ना, ये तो माँ से दिख रहा पेट में है कुछ ना, अब भूख ही ना लग रही यार भाई, रोटी भी कड़वी लग रही है जो अपनी मेहनत से। पर भाई मुझे 15 दिन पहले ये चीज़ दिखगी कि तेरी आईडी उड़ने वाली है, मैंने हेमंत फौजदार भाई है जो गाने बिल्कुल उन्हें मैंने पहले बता दी भाई मेरी आईडी उड़ने वाली है 15 दिन पहले बता दी भाई ये। अच्छा तो भाई ने भी कोशिश करी, रुक जा तो भैया जो लिख गई को रुक रही है तो भैया जो किस्मत में लिख जाओ हो बे, ये तो आइडिया इंसान चलो जा तो घबराना ना चाहिए कभी भी किसी चीज़ से, घबराइयो मत ना, टक्कर करियो बिल्कुल, लड़ाई जम जम के लड़ो, जब आप बचपन में नहीं हारे तो आप कैसे हारे, हिम्मत ना हारे। देखो दो एक दिन को तो आदमी सुन हो जा लेकिन हौसले बुलंद रखो, मंजिल आसान है, रखो घबराओ मत ना भाई, बड़े बड़े भाई बैठे हैं जन आसमान में कहाँ पहुंचा दें, बिल्कुल भाई इनकी सपोर्ट छत्तीस बरादरी की चीज़ आपकी सी है बिल्कुल। वो कहते हैं ना शेर भाई की, हौसला बढ़ा रख के एक समय ऐसा आएगा कि घड़ी दूसरे की होगी समय तेरा बताएगा। शेर बिल्कुल शेर भाई आना चाहूंगा, शेर शेर पे तो बात होगी, शेरनी आजकल नहीं दिख रही वीडियो में, तो वो क्या चक्कर है, मैं देख रहा था इंस्टा पे भाई शेरनी की कल कॉल आई। अच्छा। शेरनी से मेरी कोई बिगड़ी हुई बात ना है। उस पर चीता भाई ने रोस्ट मार दिया, ज्यादा गलत रोस्ट लग गए, देखो मैं तो 250 रुपया में लाया हो तो धागे काटे ऐसे मुझे उसका गलत लगो। शेरनी आज भी अलग ना है और शेरनी कल भी अलग ना, ये ना शेरनी अलग हो गए जी, सारी आईडी उड़ जा, सारा धंधो खत्म हो जा, पर शेरनी शेर से अलग ना हो सकती क्योंकि मतलब गलत तौर से नहीं, जो रिश्ता है मतलब हमारे रिश्ता शादी तो मेरी हुई पड़ी है, जैसे कि हम आप जुड़ गए हमसे तो जब तक भी साथ बराबर रहेगा जब तक जी बिल्कुल, किसी चीज़ की तो शादी हो रही है उसकी शेरनी की भाई, जिस चीज़ की जरूरत पड़ती हो तो मैं तेरे लिए सही आ रहा हूँ बिल्कुल, क्योंकि तूने मेरे साथ वीडियो बनाई है बिल्कुल। तो मैं आज भी कह रहा हूँ शेरनी से, शेरनी भी देखेगी इस पॉडकास्ट है, शेर की तरफ से शेरनी को फुल सपोर्ट हमेशा रहेगी बिल्कुल। शेर भाई मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब हम जानना चाहते हैं कि अब आप फेमस हो गए हो, लोग मिलने आते हैं जी, तो सुबह उठते के साथ ही और रात तक शेर भाई क्या करते हैं पूरे दिन? भैया मैं सुबह को उठूँ 4 बजे, 4 बजे, 4 बजे उठता हूँ मैं, गर्म पानी करता हूँ 1 बाल्टी। अच्छा। तो 2-3 बाल्टी हो जा तो फिर गर्म पानी मिला के फिर मैं नहाता हूँ, कोलगेट वोलगेट करके नहाने के बाद पूजा पाठ करता हूँ भाई जी, पहले करे हो 1 घंटा की अब कर लूँ 10 मिनट की जो बात है। अच्छा अच्छा। क्योंकि भाई फोन भी चार्ज पे लगाओ या भी करो वा भी करो जल जल्दी अब काम बढ़ गो ना, फिर कहीं जाना पड़े तो भगवान की सबसे ज्यादा कौन सा प्यारा है भगवान है शेर भाई को? देखो भोले शंकर है जो भी है, भोले शंकर है और बाकी की हमारे देवता है वो है, फिर उसके बाद शेर भाई पूजा होगी, उसके बाद पूजा पाठ मतलब सब भगवान ने नहीं पूजा है, वो तो मानने को सभी है, भगवान बाबा सब मंदिर में सब है, सबकी पूजा पाठ करके सब सुखे हैं भैया, सब शांति से रहो, हमें शांति से रखो जो भी करना हमने पूजा पाठ। उसके बाद भैया 4 बजे के बाद ऐसे करता करता 6 बज जाओ, 6 बजने के बाद अपना फ़ोन चार्ज वार्ज हो जाओ, फिर उसके बाद चाय पी लें, चाय पीने के बाद फिर बाहर को निकल जाऊँ घूमने को। फिर रात को जो रोटी खाते हैं तो रोटी खाया करो या चावल क्या खाते हो भैया? खाना रोटी खा करूँ मैं। कितनी वैसे आम जो खुराक है मेरी 10 रोटी 8 रोटी 10 रोटी खुराक। अच्छा। नॉर्मल खुराक एक टाइम। अच्छा। तो वैसे अगर कोई बात आने लगे तो फिर पता ही ना लिमिट ही ना। अच्छा। नहीं तो 8-10 रोटी आम है बिल्कुल, ये तो हर आदमी का नॉर्मल है बिल्कुल, तो ये नॉर्मल है 8-10 रोटी। अच्छा, नॉर्मल अच्छा, बिल्कुल। शेर भाई मैं आपके भाई के बारे में, पिंटू भाई के बारे में बात करना चाहूँगा, जो आपको पता भी है कॉन्ट्रोवर्सी। हाँ हाँ भाई है। तो उन्होंने वैसे अब आपकी दोनों के आपस में थोड़ी रंजिश कट चल रही है, कट चल रहा, तो उन्होंने आपके ऊपर इल्जाम लगाए पॉडकास्ट में, उन्होंने आपको कहा कि जो शेर भाई हैं वो झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने वो तो 2-2 हज़ार 2500 जो है दिन का कमाते थे, उन्होंने कोई गरीबी नहीं देखी, कोई उनका बापू ने कुछ नहीं बेचा घर का। हाँ। वो सब फेम के लिए, अपना नाम बनाने के लिए सब झूठ बोल रहे हैं। मैं बताऊंगा तुम्हें बात, तो जादू भाई भी वहीं थे। हाँ, हाँ। उनके पॉडकास्ट हो। हाँ, मेरा भी हो पहले। भाई वो इतने तेज हैं कि वे चलते चलते आदमी की गैल वो जेब काट दे, उन्हें पता लगे कद कदम काट दी, क्योंकि वे मेरे भाई है मुझे पता होंगे, और उनके सामने मैं तो ये कैसे समझ मट्टी को ढू लगा दी हो, वो दोनों इतने तेज हैं। अच्छा। तो भाई साहब इतनी बात बना देंगे अपने तुम्हारे धोरे बैठे बैठे, तुम्हारा कंप्यूटर भी काम ना करें उनके सामने। अच्छा। भगवान का सब कंप्यूटर फेल कर देंगे, इतनी बात चलते चलते बना देंगे दोनों भैया। पर आप शेर भाई सबसे बड़े हो, मैं बड़ा, आपने उनको साथ में लग के काम करवाया। हाँ। ये सब चीज़ें जब हो रही हैं आपको बुरा नहीं लगता? भाई ऐसा हुई जब उसकी आईडी चली पहले तो मेरी बात में चली, तो भाई उसने मैं एक दिन शराब पी ली, उसने कही भाई एक गाली बात, गाली की यारी कह दूँ? नहीं नहीं गाली के ना रोक दूँ। तो उसने कहा एक काम कर आईडी मेरी बोलूँ मैं, अन्य तो खड़ा हो निकल अपने घर जा। तो भाई हम दोनों मियाँ बीवी, दो बच्चे हैं लड़का हम, वो छोटे छोटे
हमें उन्हें पता लगे, जब हम रोने लगे तो उन्होंने कही उन्हें कि ना क्या हुआ, हमने फिर अपनी बात दाई बच्चे ने ना बतानी ये चीज़। तो भाई दोनों में बीबी रोई। तो भगवान ने ऐसी सुनी, चीता की कमेंट में लिख दी, हमें शेर ला कहते मैं शेर कहने लगो, तो फिर वन फॉलो कर दो चालू। तो ये मेरे भाई बैठो गौरव हरिक राजा नाम का, उन्होंने दोनों भाई ने कही नुकसेर भाई अपनी आईडी बना लो, तुम्हारी फरमाइश आ रही है जी। मैंने कि मैं तो जानता हूँ फ़ोन चलाना भैया, मैं ना कर रहा हूँ कुछ, मैं अपने हिले और जो बुग्गी फुग्गी वे सब बेच दी या के चक्कर में, तो पिंटू के चक्कर में अब तो बर्बाद ही हो ना। अच्छा तो भैया फिर मैं अपने हिले पे लग गो, कुल मिला के मेरे भाई ने ना मान के मेरी फ़ोन हो टूटो सो, तो उसको अट्टा मार्केट से लियो जो ना, ये तो भैया बाद में लेगा वो गांव में खरीद लो 103,000 को जन 3500 को ऐसे खरीदो ध्यान ना। तो पीछे कैमरा उसको खराब हो, आगे के कैमरा से वीडियो बना करी। तो पहली वीडियो मैंने मुंह उठा के साइकिल खड़ी मुंह से उठाई, फिर एक ऐसा उठाई मैंने कि यार मुँह पर कुछ आता ही ना, मैंने कि क्या करूँ, फिर मैं ऐसे ही बना लगा, मैंने बालक इकट्ठे करे, मैं गयो दिल्ली में वे लाए जो तोड़ के जो वे निकले एकदम पत्थर पानी से, हाँ तो मैं वे लेकर आयो, मैंने कि यार अच्छी लगेगी पब्लिक है, तो ऐसे वीडियो बना के फिर मैं डायलॉग तो भैया मुँह आज ना आते कल ना आते, पर भाई पब्लिक है शेर पसंद है बस बस नू बैठे रहे शेर कहे को भाई एकदम मजा आ जाए, एकदम ताली पिटका मैंने बहुत देखे। नहीं बिल्कुल, हमने हमें भी बहुत मजा आया जब बाहर आपने। हाँ हाँ तो पर ये डायलॉग की आप अभी आपने बात की, तो शेर भाई और जादू भाई ने बोला कि शेर को हमने डायलॉग बोलना सिखाया है और शेर ने क्या किया हमारे रंजीत के मारे 8 से 9 हजार हमारे फॉलोअर कम करवाए मेरे। उसने तो ओनली ना उनके तो भाई साहब 18,000 से ऊपर के फॉलोवर्स है जब उन्होंने मेरे को उनने नीचे गिराया शेर ने। भाई एक बात बताओ, तुम्हारी आईफोन है तुम ही बोलने वाले हो और चलाना तुम जानो, मैं तो कुछ जानता हूँ तो खड़े हैं ऊपर का चुप, जैसे इंसान मर गए ऐसे खड़े रह गए, आप देख सकते हो वीडियो जी, जी, जी। ये तो शेर मेरे भाई ने गौरव ने कही तो भाई शेर कह लग तू, शेर तेरे नाम धर तो शेर कह लग, तो मैं शेर कह लग, तो मैं तो ऐसा खड़ा भाई। अब इसने एक दिन मैं भगा दियो तो बताओ मुझे, तुम ही तो भगाओगे जब तुम जानो सब चीज़, फोन चलाना तुम पे, डायलॉग तुम मार रहे हो और तो मैं कह सकता हूँ। वो कह रहे किसी से कह के करवाया शेर ने। भैया मैं कुछ भी ना जानता हूँ, ये सब झूठ है, तुम उन्हें जानते ना हो, वे शराब पी के रोज को ड्रामा इनको यही है, किसी को भगाना हो किसी गैल कुछ भी करना हो, वे बहुत तेज हैं। वो ये भी कह रहे कि जो आपने कहा था कि वो बिना पिए वीडियो नहीं बना सकता। वीडियो वो कह रहे कि ऐसा कुछ है नहीं, मैं आपके पॉडकास्ट में बैठा हूँ, मैंने कौन सी शराब पी रखी है। अभी है ना अनूप मास्टर जी के यहाँ पॉडकास्ट में गए दोनों, तो उसने खुल के कह दी उनके सामने भी, पहले डाला हुआ जब मैं पॉडकास्ट में बैठूँ बैठूँ ही ना, फिर मैंने कही ऐसे ऐसे कह रहे हैं भैया ये तो पोस्ट कास्ट को अनु भाई से, मैंने कि ऐसे ऐसे कह रहे हैं भैया पोस्ट कास्ट को पहले दस गया, फिर अनु भाई कह लगे भैया ऐसा ना होगा, फिर बैठा के फिर उनको पोस्ट कास्ट करो, वहाँ उन्होंने दुनिया भर की पता ना का बना 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 का बात। अच्छा तो भाई मुझे तो एक बात की पता हो, जीत जो होगी सत्य की होगी, वो सत्य की है, जो गलत होगा वो गलत एक दिन डूबेगा, ये मटका इसमें पानी भर लो, जिस दिन ये फूट जाएगा उस दिन खील बिखर जाएंगी और बुरा हो जाएगा। तो इसलिए कोई भी काम हो सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, घाटो खा के बैठ जियो पर किसी गैल गद्दारी मत ना करियो, वो तो अब सब ही पता हो गद्दारी मैं करूंगा उनके साथ जी जी, या वे मेरे साथ कर रहे हैं, क्योंकि फोन भी ना है वो पे, तो भाई आज भी चलाना ना तो फोन जी जी। तो शेर भाई अब थोड़ा सा ये सीरियस बड़ा हो गया, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट वाले पार्ट पे आते हैं। ये आपका मैं देख रहा स्टाइल बड़ा अनोखा है, दाढ़ी का पहले ब्राउन था, अब आपने ग्रीन भी थोड़ा थोड़ा करा लिया हरे रंग का, तो ये कौन आपका स्टाइल कौन देखता है, आप खुद ही करते हो? मैं बताऊंगा भाई, तो मैंने अपने मन में सोची एक दिन यार तू शेर कह बे, तो वीडियो में कुछ ऐसा लन नो तू अपनी पहचान बना, तो मैंने कि दाढ़ी तो रख गई बिल्कुल, फिर मैंने कलर अपने आप ही ला के और वो जो रहे ये जो ब्लीचिंग हो मैंने ये करके ऐसा कर करके लगाया एक वो अपना सुनू मन की जैसे सीधी बना जैसे शेर को एक पंजो हो, वो भाई अच्छा लगा लगा बहुत यार बिल्कुल। फिर एक दिन मेरे क्या मुंड माई, एक दिन एक और सिटी में रह रहे हैं वे आदमी लड़का है 2-3 जी, उन्होंने मैं बुलाया, वो मैंने अपनी वीडियो उनकी डिलीट हो गई, उन्होंने भाई यहाँ हुआ शेर मन की हाँ जी, तो उन्होंने कहा मैच और टूर्नामेंट उनमें जीत वे जीत गए, उन्होंने खुशी में मुझे 50,000 रुपया के जूता ये पैर रखे ये दिलवाई 8,500 के। अच्छा। और उन्होंने एक जर्सी धरी है 6,500 की धरी लाल वाली बिल्कुल, और भाई ऐसे ही बलियान कमीज पेंट वा पूरा सेट अपने हुई गर्म पानी करो फ्लेट में ही, मैं नहवायो पहले मेरे बाल बाल सही कटवाए फिर यू कलर भरवायो ऐसा करो, मतलब बहुत ज्यादा सामान करो पूरा मतलब बढ़िया जब माला वाला बढ़िया करो मैं सिस्टम कैडो ही बिल्कुल। तो भाई उनके 50,000 रुपया खर्च हुए बिल्कुल, तो भाई उनके लिए भी हाथ जोड़ कर धन्यवाद जिसने 50,000 रुपये मेरे पीछे खर्च करे भाई बिल्कुल।
अब पैसे खर्च करने की बात आई है तो एक सवाल और आता है कि 1.5 लाख का खर्चा आपने बोला आपके एल्विस एल्विस के चक्कर में हुआ, लेकिन वही आपके दूसरी तरफ दोनों भाई कह रहे हैं कि वो कह रहे 2000 का भी खर्चा नहीं हुआ उसका, वो सिर्फ अपना नाम बनाने के लिए ऐसे एल्विस का नाम ले रहा ताकि उसका भी नाम हो जाए एल्विस के साथ। हाँ सही कह रहे हो। एक बात बताओ, जो मैं वीडियो ना डालता ना, उन्होंने ये बोली कि वे झूठ बोल रहा है, एल्विस के पीछे 1.5 लाख खर्च ना करो। आपने अनुप भाई के सामने भी बोला, मास्टर जी के सामने कि ऐसा हुआ है, तो भाई एल्विस भाई मैं तो नहीं कह रहा हूँ आगे कोई बड़ी पोस्ट पर जाता, मैं तो 10-5 लाख भी खर्च कर दूंगा क्योंकि मेरे पास है ना ना इतने, अगर होते ना तो आगे कुछ ऐसे। अब मेरी 1 लाख रुपया 2 लाख की 4 लाख की मेरी औकात है, तो मैं 2-4 लाख अब भी पहले वो बता दो कर्जा हुआ कैसे, उसके बाद फिर बताना। अच्छा तो कर्जा ऐसे जी, वो जो मैं वीडियो डाली ना हमने ये फिरूडी बिरूडी और ये बिरयानी लंगर वंगर, तो अगर मैं इसे ना डालता तो ये उसको बिना कहते 1000-2000 खर्च करे तो इसको मैंने कर देते, वो तो मैंने वीडियो डाल दी जी। तो भाई यू बात है, कुछ ऐसे कि कोई आ जा ले भैया पानी पिया, तो भाई एक बोतल 20 रुपये किया पानी पिलवा दे, या बीड़ी सिगरेट गुटखा, मतलब जो आपके साथ लोग आते थे आपके साथ, जैसे कि मुझे हमें एल्विस भाई की पता, हमें इसे बोट की जरूरत है तो भाई मोहल्ले में पूर्व हमारे किराएदार ज्यादा मीटअप कर ले, हाँ तो एक भीड़ तो लगी रहेगी, मैंने भाई ऐसा कर लो अब भाई पेप्सी लाओ फटाफट, दुकान वाले भाई कुछ खिला दो, सिगरेट विकरेट गुटखा भैया उधर भीड़ लगी रही भाई, मतलब मैंने हमें बोट करेंगे एलबीस, हमें करो ऐसा ऐसा करते रहो। अच्छा। क्योंकि मैं कुछ पढ़ो लिखो ना, वो सपोर्ट पैसा लगा कर सकता हूँ। तो 3 लाख का खर्चा हुआ, नहीं 1.5 लाख रुपए का। अच्छा 1.5 लाख कर्जा हुआ आपके ऊपर, 1.5 लाख को कर्जा ना हो, कर्जा तो बहुत होता है पर 1.5 लाख रुपए लगाया एलबीस भाई के पीछे। अच्छा जो बात है, तो अभी कर्जा वो है या खत्म हो गया? अजी कर्जा देते रहे चलते रहे, कमाई भी है ना, ये तो कमाई भी, कमाई के हिसाब से कर्जा हो जा, कमाई के हिसाब से चलते लगते रहे उल्टे नीचे। अभी शेर भाई, अभी जैसे बुग्गी आपने चलाना बंद कर दिया, हाँ जी, तो अभी इंस्टाग्राम से या कहीं से क्या साधन है कमाई का? अब इंस्टाग्राम से जो 1 लाख रुपए महीना कमाई होने लगी। क्या बात है, ये 1 लाख रुपए महीना कैसे हो करी जी? जैसे आपने बुलाई तो आपने पोस्टकास्ट में 8000-10000 रुपये में जा रहा हूँ, जहाँ भी पोस्टकास्ट हो पहले दे देखे 10000-8000 रुपये, तो वे मुझे देख रहे भाई, तो जब मैं उसकी पोस्टकास्ट में जा करो जो गाड़ी को खर्चा रह करो उसमें लेकर मुझे, तो ऐसे ही कर करके महीना के 1 लाख रुपया कमाने और 1,20,000 को खर्चा हो जाएगा, प्लस जो किराए वाले कमरे से आ रहे हैं वो भी खर्च हो गए हैं। अच्छा अभी तो मैं नाम के मारे लगा रहा हूँ रुपया, 1 लाख कमरे हैं तो 1,20,000 जा रहे हैं, मतलब 20,000 घर से लगा दूँ। अच्छा इसलिए क्योंकि मैं अब 1 लाख कमा रहा हूँ, अब क्षमता बढ़ती जा रही है ना, 1 लाख अच्छे ना लग रहे, अब ऐसा लग रही है कम से कम 50 लाख हर महीना कमें, बिल्कुल 50 लाख कमेंगे, 50 लाख में 50 लाख को खर्चा होगा कुल मिला, मुझे यहाँ ना रहनो वो परिचय मेरी, मतलब बिल्कुल इस मारे पैसा लग रहा हूँ जम के, कोई दिक्कत ना। बिग बॉस जीते हैं एल्विश अभी, तो आपका ये सपना है कि बिग बॉस में जाना है? बिग बॉस में बिल्कुल, तो क्या है वो सपना थोड़ा बताएं दर्शकों को। ये भैया जैसे सभी बिग बॉस में एल्विश भाई गए हो जीत के आए हो, जीत का वैसे मेरे मन में भी, अब जब भाई किसी किसी की सोच हो भाई तुम्हारी सोच है हमें क्या करना हो किसी का करना हो, मेरा सपना है कि एल्विश मतलब बिग बॉस में जाने को। अच्छा मान कि बिग बॉस में एक बार हम भी जाएंगे भाई। अच्छा अब मेहनत बिग बॉस की चल रही है कुल मिला के, चाहे जा मैं ना कहीं भी। तो अभी आया कोई ऑफर ये बात चल रही है अभी? अभी तो कुछ ही बात ना चल रही जी। अच्छा पर जाना है पूरा भाई, मन में ठान रहा है कि जाना हो भाई, पब्लिक की नजर में नुआनी है, शेर बहरा की बिग बॉस में एक दिन सिस्टम हैंग करना हो भाई, बिल्कुल तो तैयारी चल रही है, जब से स्टाफ चढ़ाऊ ना जब से इसी चीज की तैयारी कर रहा हूँ मैं एक बिग बॉस की। बिल्कुल एलविश भाई को बताया आपने, आपने क्योंकि बता रहे थे मुझे कि पीछे कि आपकी बात हुई एलविश भाई से, तो हाँ एलविश भाई से तो रोज बात हो, मैंने फोन में सेफ है। अच्छा उनको आपने बताया कि मेरे को बिग बॉस में जाना है? इतनी बात ना एलविश भाई से। अच्छा ऐसा वो भी भेज रहे हैं जैसे वीडियो कॉलिंग हो जाए बात हो गए। अभी शेर भाई आपके गाने भी हमने सुना, 4-5 गाने और आ रहे हैं, 4-5 गाने आ रहे हैं, तो वो बदमाशी वाले हैं प्यार मोहब्बत वाले? अच्छा बदमाशी वाले। एक गाना तो ऐसा बनेगा अब जिसकी 20 तारीख को शूट है, सोने के जूता मतलब गोल्डन सिस्टम सारा, गाड़ी गोल्डन हर चीज गोल्डन रहेगी, सारी दीवार भी गोल्डन, शेर वाला जो लड़की साथ रहेंगी ना वो भी गोल्डन, वो भी गोल्डन। अच्छा मतलब सिस्टम पूरा हैंग कर रहा है, लड़की भी जो मलूक यार ही है थोड़ी सी। अच्छा हाँ जो बात है जी, तो जब आपने अपनी वाइफ को बताया कि मैं ऐसे शेरनी को ला रहा हूँ या इस तरह की, अब शेरनी भी देखने में अच्छी है, तो जब शेरनी भी अच्छी है देखने में आपके साथ वीडियो बनाती है, तो वाइफ ने कभी बोला नहीं कि वीडियो क्यों बना रहा है ना? शुरू में 2-4 बार तो करी, यहाँ बैठा ली ना थोड़ी जान, इतना मुंह में विज्ञान मन की यहाँ मत बैठा, तो पब्लिक गाली दे रही है, कमेंट पढ़ने आती रोस्ट हो रहा है, तो फिर भाभी जी का क्या रिएक्शन था? मैंने कही तू ये गलत कर रहा हो पर मैं ना मानो, मन की यार गलत ना करो, मेरी वीडियो ज्यादा चल रही है, वायरल हो रही है, वीडियो वायरल हो रही है, मैं चलन दे, फिर वो भी समझ की बात है, मैंने बस कही मैंने पिक्चर में चुम्मा भी ले लें और
हम तो वो भी ना ले नंगे भी हो जाए, कहीं बलात्कार हो रहा हो, कहीं कुछ हो रहा हो, हम तो ऐसे भी ना कर रहे। तो इस बारे में कि बनंद कोई दिक्कत ना, फिर मानी। अच्छा अच्छा समझ गए। और जब फिर उनको दिखता भी होगा कि आपसे लोग मिलने आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं बार बार। अब तो भाई कुछ भी ना, अब तो बस चाय उठती रहे घर। अच्छा, जो भी आ चाय बनाती रहे, मतलब चाय चलती रहे अब तो। अच्छा अच्छा, बैठी रहे चूल्हे, बेचारी मेहनत बहुत करे। अच्छा अच्छा, तो रोज शेर भाई कितने लोग आ जाते होंगे लगभग आपसे मिलने एक दिन में? आ जाते होंगे भैया कम से कम, अगर घर रहे हो तो 100 आदमी। अच्छा, पानी पी लीजिए शेर भाई आप। अगला जो मेरा सवाल है आपसे, आपने एक 2 लाख की कमेटी डाल रखी है, तो वो कमेटी कब निकलेगी और फिर उससे जो आपका आगे का काम है घर भर बनाने का, वो कहाँ तक शुरू हुआ, क्या प्लानिंग है उसकी? जैसे कि कमेटी डल रही है 2 लाख की जी, तो हम हमारी मर्जी है, हम कभी उठा सकते हैं उसे। अच्छा अच्छा, हाँ पहली, पर उसमें फिर थोड़ा कम लेना पड़ता है। मैं लेट उठाऊँ। अच्छा हाँ, क्योंकि मैं पैसा भरता ही रहूँ फिर उसे उठा के 10-10 रुपये का ले लें, वे दे दें, फिर कुछ नया काम कर लें, फिर सोचें भाई कमेटी और डाल दें। अगर बीच में जरूरत पड़े तो फिर कहीं से ले लें 10 रुपया, और फिर कमेटी चलती रहे, ले तो लेन देन मतलब सही चल रहा है, कोई दिक्कत ही ना, मतलब कोई दिक्कत नहीं ना, अब तो कोई दिक्कत ही ना यार। तो अभी घर घर जो आपने सोचा है खुद का घर बनाना है, उसका कहाँ तक काम शुरू हुआ अभी? घर तो मेरे बन का तैयार है। अच्छा, और बीच में बात भी ऐसी आ रही थी कि आपने बोला कि सलमान और शाहरुख खान मेरे को बड़े पसंद हैं, और शाहरुख की तो आज फिल्म भी रिलीज हुई डंकी, तो अब बॉलीवुड में अगर शेर को ऑफर आता तो शेर जाना चाहेंगे? हाँ भैया जाएंगे यार, भैया कोई ना जावे सभी जाएं। अच्छा अच्छा, आपको बता देते हैं कि एक बार शेर भाई सन्यासी बन गए थे। हाँ बाबा जी। हाँ, तो शेर भाई वो क्या किस्सा था वो बताइए। वो किस्सा है भैया, हमें बैरागी। हाँ, तो हम अपने शरीर पर कष्ट करना चाह रहे हैं भाई, कष्ट कर लें, पूजा पाठ कर लें, तो इसलिए बाबा जी बना। बिल्कुल, मंदिर में काम करवाओ भैया, साफ सफाई जैसा कहीं सेवा की, गामन में तो मंदिर ऐसे ही रहे, खेतन में बना दें जी, उसकी कहीं बाउंड्री बाउंड्री करवानी, साफ सफाई ये काम करवाई। अच्छा, तो फिर वापस कौन लेके आया आपको असल जिंदगी में? मेरे भाई। अच्छा, मेरे मन में आ गई एक बार ऐसे हुई, सच बात तो ये जो मैं बाबा जी बनूँ सच। तो फिर मेरे भाई एक दिन मेरे पास पहुँचो, मम्मी पापा खत्म हो गए, उसने कही यार एक ड्यूटी लग रही है, जो आज सच बताऊंगा पब्लिक के सामने, भाई मेरी ड्यूटी लग रही है, वो कह लो इसी में काम कर रहा हूँ, तुझे कुछ ना कर रहा हूँ, इसी उठा कर नू कर रहा हूँ, और आउटर सिम बढ़ जाएगा और तू बस खड़ो रहे, मिस्त्री अपना आप काम कर रहा है, वो सपोर्ट कर दो रही। अच्छा अच्छा, अब भैया मैं बाबा जी बना बैठो। फिर मैंने दिमाग लगाया, भाई तेरे माँ ना बाप बहन की शादी होगी, अब आज तेरे भाई तुझे ज्ञान देना है, पहली बार इसकी बात गिरा मत ना जी, अपने भाई की छोटे की बात मान। तो भाई सच बात तो यू है, मैं अपने भाई की बात मान के और मैं घर जाके मैं वहाँ पहुँच गो बंसल जी के यहाँ, जहाँ पे एसी को काम हो। तो भाई उन्हें मेरी दाढ़ी देख के वो पीछे हट गए, यार यू क्या है भाई, यू कह लगो वो कह लगो, तो ये देखने में ऐसा लग रो ये बहुत मेहनत करे भैया, इसी काम में मेहनत है, वो कह लगो यार दाढ़ी वाढ़ी कटवानी पड़ेगी। तो पहले तो उसने मना ही कर दी मेरे लिए, फिर आखिर में कह लगो चल इसे देख देख तो लेने को, भाई मैं मेरी मेरे भाई ने दाढ़ी फाड़ी सब कटवा कटू गए, पेंट बुर सेट दिलाई, पहले कपड़ा ना है ना वो पहले कपड़ा पहने। तो फिर भैया मैंने अपना ये सिस्टम बदल दिया, फिर मैंने बहुत मेहनत करी वहाँ 2 साल। भाई 2 साल में कम से कम बिना तो मैंने 3 या 4 लाख रुपया जोड़ दिए, जो बात है जी, कमा के एक एक महीना में मैंने 30-30 हज़ार, 30 हज़ार तो वैसा कमा दिया, और ऊपर की कमाई हुई उसमें, जैसे कि आपके इतनी वायर चाहिए आपको भैया, 100 रुपया खर्चा तो आपके डाल दी 100 रुपये की, ऐसे उस कमाई ऊपर की भी हो जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कुल मिला का बढ़िया काम चलो उसमें। अच्छा, आज तुम्हारे यहाँ बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत करते करते फिर भाई ने भाई की बात मान के तो आज यहाँ बैठे हैं, भाई की बात मानी, जो बात है वो वही भाई है जो आपके साथ रहते हैं? नहीं, मेरा भाई जो स्टाफ ही ना आता, वो अपना ड्यूटी से मतलब एसी का काम करते हैं, एसी का काम कर रहा है, ड्यूटी स्टाफ आता ही ना जी। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि भाई अब गाँव में कुछ लोग हैं, अब तो पूरे गाँव का नाम आपने कर दिया, लेकिन कुछ लोग अभी ऐसे भी होंगे जो चिढ़ते हैं आपसे, तो उनको कैसे हैंडल करते हो आप? अब तो भाई मेरे उनसे बात करने को टाइम ना, मैं सुबह निकल जाऊँ 8 बजे गाड़ी नहीं समझ तो घर से निकल जा। अच्छा, जैसे कि आपने बुलाया हो तो सीधो सी तैयार होकर रेडी है भैया इस टाइम जाना हो, तुमसे पहले एक जगह और हो गया हो कागो में। अच्छा अच्छा, तो मतलब आप उनको इग्नोर करते हो भैया, टाइम ही ना सोचने को, अभी रात को 12 बज जा 1 बज जा। अच्छा, अब टाइम घर में बढ़ने को ना, आने को ना जाने को। अच्छा, अब किसी से बात करने को टाइम ना, तो भी किसी से दुश्मनी रहे वही भूल जाए दुश्मनी है, यार टाइम ही ना बैठने को। तो अब
अगर आपके दोनों भाई अगर आपसे अभी माफ़ी मांगेंगे तो आप उनको माफ़ कर दोगे? किसे? शेर भाई, वो चीता भाई को और जादू को? हाँ जी माफ़ कर दूंगा। अच्छा, क्योंकि आप बड़े भाई हो इसलिए। बड़े भाई को माफ़। बिल्कुल, तो आपसे ये बता दूँ कि जो शेरपार बैरागी जी हैं इन्होंने काफ़ी साल जो है बिना चप्पल के गुजारे हैं। हाँ जी। तो वो क्या किस्सा? अब तो आप देखो गरीब हालत है, अब तो देखो ये जूता वूता मैं स्टाप आया हूँ, जब से ईमानदारी की बात है मैं चप्पल अब जूता चालू करें, अरे जो हाथ देख लो आप ये फटे पड़े हैं सारे। जी जी जी, दिख गया आपको ये गड्ढे? बिल्कुल। आप एक बार पकड़ कर देखो ऐसा, जी ये टाइट हुई पड़ी है, गांठें बनी हुई है, ये देखो ऐसा करको एक बार जोर से, ये सब मेहनत है, मजदूर का हाथ है। कातिया कातिया, ये मजदूर का हाथ है बेटे, शेर ऐसे ही प्यार बनाए रखे भाई जी। तो अब वो टाइम याद आता है शेर भाई जब आप कुछ नहीं थे और आज कुछ ना कुछ तो है? भाई ईमानदारी की बात तो ये भैया, बहुत दिन तक तो सपना चल रहा है मेरे साथ, अब रियल में आप बड़े बड़े लोग बुला रहे हैं तब तो पता लगे हाँ भाई कुछ तो फेमस हो चुको, यानी काफी समय तक तो ये सपना चल रहा है, क्या हो टाइम सोचने को भी ना मिला, भागा दौड़ी मतलब ज्यादा से ज्यादा भगनो, टाइम ही ना मिला सोचने को क्या करना हो। बिल्कुल शेर भाई, आखिरी दो सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आज आपके साथ आपके माँ बाप नहीं है, लेकिन कभी शेर ये सोचते हैं कि आज मैं इतना बड़ा नाम कमा रहा हूँ लेकिन जिनको दिखाना है वही आज नहीं? ओ भाई बस भाई जो बात है रियल में माँ बाप की बहुत याद आ, भाई मैंने एक वीडियो छोड़ी है भंडारों करो, एक दिन हम मोटरसाइकिल बजा रहे हैं, मेरे दिमाग में ही मम्मी पापा की, मन की भाई एक काम करो समोसे खरीदो 100, आज मम्मी पापा के नाम के रहेंगे, उसमें यू डायलॉग रहेगा कि अपने माँ बाप की सभी, तुमने देखा होगा समोसे बांट रहा हूँ, अपने माँ बाप की सभी सेवा करियो, उन्हें दुख मत दीजो, मरने के बाद पता लगे माँ बाप की ताकत क्या चीज़ हो, तो फिर मैंने डायलॉग मारा। और शेर भाई ये भी है ना कि उनके जाने के बाद भी आप बिगड़े नहीं, नशे पत्ते में नहीं पड़े, मेहनत की बीड़ी को है बस। अच्छा, नहीं वो है, लेकिन कुछ लोग तो और भी सारे नशे करने लग जाते हैं, पर आपने मेहनत बहुत की। मैंने दो काम ना करे जिंदगी में, तीन काम, एक तो किसी की चोरी ना करी, एक लौंडियाबाजी ना करी, और एक भाई किसी गल धोखो ना। बिल्कुल, धोखे खाए हैं जिंदगी में पर करो ना किसी गल। अच्छा, अब भी तुम अब तो मीडिया देख रही है, धोखा हुआ मेरे बार बड़ो धोखो। अच्छा, पर अभी मेरे लिए किसी से दिल में सुनू ना, किसी को बुरो हो जा, जिसने कर दिया कर दियो, भगवान जाने। बिल्कुल, जब भगवान ने उठाएगा वहाँ भगवान ही चित्त करेगा और भगवान ही खड़ो करेगा, उठाओ भी हुई गिराओ भी हुई, उठाने वालों भगवान है गिराने वालों भगवान है जी। बिल्कुल, सब चीज़ भगवान के ऊपर छोड़ दो, टेंशन ही खत्म। बिल्कुल बिल्कुल, सत्य जो आपने जैसे बोला कि उसी की जीत होती है, उसी की जीत है, सत्य की जीत है जी। आपसे आखिरी सवाल कि आपका जो बेटा है जी, जो क्लास में, बिल्कुल विवेक और एक यश, विवेक दो, यश बैरागी हाँ जी, पता है हमें तो छोटे यश तो छोटा है। पहले मेरी बात काट के, आप पढ़े लिखे हो, आपको दिमाग ही कंप्यूटर है पहले तो, ना 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 भाई, यश बैरागी और विवेक बैरागी दो बटे, यश छोटा वाला है, जो विवेक है आप क्या चाहते हो विवेक बड़े होके क्या बने, पता तो चली जाओगे कि किस में इंटरेस्ट है उसका। उसको इंटरेस्ट है वो ज्यादातर उस देखा आईपीएस वाले ने, यूपीएससी आईपीएस बनना, मुझे उसको दिमाग में ही रहा आईपीएस। अच्छा, मैंने कि चल भाई देखो भगवान जाने, मतलब आप पापा का भी ये सपना है कि उसको वर्दी में देखना। 8 शादी के ना अभी जो गई पहुंची थी, मेरी 10 साल हुए शादी अभी। अच्छा, आपको मुबारक बहुत बहुत। अभी अभी कई दिन हो गए, 8 तारीख के गई है, जोड़ो आप 18 दिन हो गए, 18 दिन हो गए ना, तो 8-10 साल होगी, तो मेरा लड़का 9 साल हुआ जो विवेक है, और ये मैं कह रहा हूँ स्कूल जाने से पहले ही जो छोटा सा बहुत तेज हो दिमाग, कभी रोयो ना स्कूल को, और भैया मैं कह रहा हूँ मैडम भी जो जब पेपर पास हो ना तो जौन सी मैडम होगी उसे गोदी भर का उठा ले ऐसा करके। अच्छा, लोग ऐसे बच्चे नाम करें तो जिस जब मैडम ने बात कह रही तो एक दिन भगवान जाने हो क्या जो भी होगा वो भगवान की मैडम ही भगवान के समान होती है, मैडम दुआ दे दे ना वो सत्य होती है। बिल्कुल, नहीं हम भी आपके दुआ करते हैं भगवान से कि आपका बेटा आईपीएस बने और बहुत तगड़ी पढ़ाई नाम करे। शेर भाई लास्ट में जो आपको प्यार करने वाले दर्शक हैं, आपको जो प्यार करते हैं उनके लिए एक संदेश क्या देना चाहेंगे आप? भाई मेरी एक निवेदन है, सबसे पहले नंबर पर तो भाई को सपोर्ट करो, और उसके बाद अपने शेर भाई को करो, फिर 36 बिरादरी से हाथ जोड़ के निवेदन है भाई अपने शेर भाई को ऐसे ही प्यार दिखाते रहे, जो तुम्हारा भाई गिरे बहुत है और फिर उठाने वाले भी तुम, वो गिरते रहो उठाते रहो, सब भगवान पे छोड़ दो बाकी की सौदा। बिल्कुल, अरे उठाना और गिराना तो सब कोई दिक्कत ना, अभी मैंने आईडी बनाई 4000 फॉलोवर्स हो गए होंगे कम से कम। बिल्कुल, कल आईडी बनाई 4000 फॉलोवर्स हो गए कम से कम, बिना तो 4 या 5 दिन में 10000 को क्लिक कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो भाई तुवा तुम्हारी है भाई, ऐसी सपोर्ट बनाए रखो, जय श्री राम शेर। बिल्कुल, तो शेर भाई ने आपसे अपनी अपील कर दी है, तो हम भी आपसे ये कहना चाहेंगे अगर आपको ये पूरा इंटरव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो भाई को। नहीं 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 शेर भाई नहीं, आपको आप जैसे मैं बोलूंगा लाइक, अच्छा लाइक कमेंट आप बोलना शेयर, ठीक है?
तो अगर ये आपको ये पूरा इंटरव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर जी बिल्कुल तो जरूर करें और हमारे चैनल को ऐसे प्यार करते रहे। शेर भाई बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत कुछ जानने को मिला इस पॉडकास्ट में, आपको इस इंटरव्यू में बहुत अच्छा लगा होगा आई होप। काफ़ी चीज़ें देखने को मिली होंगी, शेर भाई ने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं जो उनके जितने भी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है उसके रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपके साथ अगले इंटरव्यू में कैमरा पर्सन सेतुपति के साथ, इंडिया न्यूज़ न्यूज़ एक्स दिल्ली।